गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया ही रहना चाहिए। जीवन के आधार पर द्रव्य मैटर बिष्डान लाइफ। जीवन के आधार पर द्रव्य, जीवन के आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? जीवन के आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक को हम सजीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एक को हम सजीव द्रव्य कहते हैं, अर्थात लिविंग मैटर कहते हैं, लिविंग मैटर कहते हैं। दूसरे के बाबू निर्जीव द्रव्य कहते हैं, निर्जीव द्रव्य कहते हैं, अर्थात नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर कहते हैं। अब आइए बच्चों, समझते हैं कि सजीव द्रव्य किसे कहते हैं। वे द्रव्य जिनमें, वे द्रव्य जिनमें क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, प्रजनन होता है, गमन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होती है, आदि क्रियाएं होती हैं, उसी को हम सजीव द्रव्य कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, हम सजीव द्रव्य किसे कहते हैं? वे द्रव्य जिनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, प्रजनन होता है, गमन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होती है, उसी को हम सजीव द्रव्य कहते हैं। जैसे बाबू देखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे तथा सभी जीव जंतु, चाहे वह मनुष्य हो, हाथी हो, बैल हो, घोड़ा हो, सभी जीव जंतु आपके सजीव द्रव्य कहलाते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग श्वसन भी करते हैं, हम लोग उत्सर्जन भी करते हैं, हम लोग पाचन भी करते हैं, हम लोग गमन भी करते हैं, हम लोग प्रजनन भी करते हैं, हम लोग वृद्धि भी करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए हम लोग क्या हैं? सभी सजीव द्रव्य हैं। अर्थात उदाहरण के रूप में क्या हो सकता है बाबू? उदाहरण के रूप में सभी जीव तथा हरे पेड़ पौधे। क्लियर हो गया? अब इसकी अंग्रेजी जान लीजिए। श्वसन की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? रेस्पिरेशन होता है, RESPIRATION, रेस्पिरेशन। उत्सर्जन की अंग्रेजी एक्सक्रेशन, EXCRATION, एक्सक्रेशन। पाचन की अंग्रेजी डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन। प्रजनन की अंग्रेजी रिप्रोडक्शन, RePRODUCTION, रिप्रोडक्शन होता है। पोषण की अंग्रेजी न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन। वृद्धि की अंग्रेजी ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। क्लियर हो गया बाबू? तो सजीव द्रव्य किसे कहते हैं? वे द्रव्य, क्या बाबू? वे द्रव्य जिनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, पाचन होता है, प्रजनन होता है, गमन होता है। गमन की अंग्रेजी बाबू लोकोमोशन, LOCOMOTION, लोकोमोशन। लोक गमन होता है, पोषण होता है, वृद्धि होती है, उसी को हम सजीव द्रव्य कहते हैं। अब आइए, निर्जीव द्रव्य किसे कहते हैं? निर्जीव द्रव्य हम उसे कहते हैं, क्या बाबू?
निर्जीव द्रव्य हम उसे कहते हैं जिसमें सजीव की कोई भी क्रियाएं इसमें होती नहीं है। निर्जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें सजीव की कोई भी क्रियाएं होती नहीं है, अर्थात वे द्रव्य जिनमें सजीव की कोई क्रियाएं नहीं होती हैं उसे ही हम क्या कह देते बाबू? निर्जीव द्रव्य कह देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे कागज, कपड़ा, ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि सभी क्या हैं बाबू? निर्जीव द्रव्य हैं। क्लियर हो गया बाबू? क्लियर हो गया तो यहां तक उतार लीजिए।